कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों विरोधियों पर हमला और अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया पर एक अलग भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी अग्निवेश पर झारखंड में हुई मारपीट की घटना को लेकर इशारों में राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला इसी भाषा शैली में बोला है। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने मुस्लिम पार्टी विवाद पर भी कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस की परिभाषा बताई थी। राहुल गांधी अपने ट्वीट में भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ये साफ समझा जा सकता है कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैं लाइन में खड़े सबसे शक्तिशाली शख्स के आगे झुक जाता हूँ। एक शख्स की ताकत और सत्ता ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सत्ता के ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए घृणा और भय का उपयोग करता हूँ। मैं निर्बलों की तलाश करता हूँ और उन्हें कुचल देता हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों को अपने लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर स्थान देता हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। राहुल इन दिनों इस ट्वीट के साथ एक न्यूज़ चैनल की खबर का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें स्वामी अग्निवेश की पिटाई हो रही है। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस किसकी पार्टी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं पंक्ति में आखिर में खड़े व्यक्ति के साथ हूँ, शोषित हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के साथ हूँ। उनका धर्म, उनकी जाति, आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं नफरत और डर को मिटाना चाहता हूँ। मुझे सभी जीवों से प्यार है। मैं कांग्रेस हूँ। गौरतलब है कि अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी अग्निवेश की भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के पाकुड़ में पिटाई कर दी थी। इस दौरान भाजयुमे के कार्यकर्ताओं ने स्वामी वापस जाओ के नारे भी लगाए। स्वामी अग्निवेश पर आरोप लगाया गया कि वह ईसाई मिशनरी और पाकिस्तान के सहारे पर आदिवासियों को भड़काने आए हैं। हालांकि इस घटना के जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस जाँच में जुट गई।